लेसन से कोई अच्छा जी यहाँ पे देखें, आज हम करने जा रहे हैं कैरेक्टर लिस्ट। कल हमने डिटेल समरी पढ़ी थी, आज हम कैरेक्टर लिस्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को जब स्लाइड पढ़ाई थी तो गॉड के बारे में मैंने कैरेक्टर आपको ऑलरेडी बढ़ा दिया था। उसके बाद गॉड सन जो है, यानी कि इन द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रिनिटी द गॉड हेड इज मेड अप ऑफ गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। कि गॉड का जो हेड है वो किस किस से बना हुआ है ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट के तहत, वो बना हुआ है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। यानी कि ये तीनों मिलके वन गॉड बनाते हैं। मिल्टन सीम्स टू मेक गॉड द सन नॉट को-एटर्नल विद द फादर, दो द थियोलॉजी हियर इज नॉट एब्सोल्युटली क्लियर। द सन इज प्रेजेंटेड टू द एंजल्स वेल आफ्टर द क्रिएशन एंड द गॉड प्रेफरमेंट ऑफ द सन कॉजेस सैटर्न टू रिबेल। द सन क्रिएट्स द अर्थ, ही इज रेफर्ड टू एज गॉड व्हाइल डूइंग सो। The sun offers himself as a sacrifice to death as a way to save man after the fall. The sun also defeats the rebellious angels and casts them into the hell. He shows the more merciful aspects of the god. यानी कि उसने जो है god the sun ने ज़्यादा merciful aspects show किए god के। यानी कि यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है god the sun and then the Saturn जो कि रिबेल कर दिया था, लूसीफर इसका नाम था और इसने रिबेल कर दिया था अगेंस्ट टू गॉड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गॉड का थ्रोन जो है उसको हासिल करना चाहता था। तो बिफोर हिज रिबेलियन ही वाज नोन एज लूसीफर, जिसका हम इब्लीस भी कहते हैं, एंड वाज सेकंड ओनली टू गॉड। हिज एनवाय ऑफ सन क्रिएट सिन एंड इन एन इंसेस्टुअस रिलेशनशिप विद हिज डॉटर ही प्रोड्यूसेस द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और उसने इंसेस्टुअस रिलेशनशिप, इंसेस्टुअस क्या होते हैं कि इसको बेटा आप डिक्शनरी में ज़रा देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको। तो जो है गलत रिलेशनशिप थे उसके डॉटर के साथ, और ही प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग जो कि डेथ पैदा हुई उसका रिलेशनशिप जो है उसकी डॉटर की वजह से। हिज रिबेलियन इज इजीली क्रश्ड बाय द सन एंड ही इज कास्ट इनटू द हेल। और उसका जो रिबेलियन है वो इजीली क्रश किया किसने? गॉड के सन ने। एंड ही इज कास्ट इनटू द हेल, और उसको हेल में फेंक दिया गया। हिज गोल इज टू करप्ट गॉड्स न्यू क्रिएशन मैन एंड द अर्थ। ही सक्सीड्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द फॉल ऑफ एडम एंड ईव बट इज पनिश्ड फॉर द एक्ट। ही कैन शिफ्ट हिज शेप एंड टेम्प्ट्स ईव इन द फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट। ही अपीयर्स नोबल टू मैन बट नॉट इन कंपैरिजन टू गॉड। एडम को देख लेते हैं। Adam, the first human created by God from the dust of earth, he is part of God creation after the rebellious angels have been defeated. At first, Adam and Eve can talk with angels and seem destined to become like angels if they follow God's command. At first, Adam or Eve jo hai, wo angels se baat kar sakte the aur seem to destined to become like angels, aur aisa lagta tha jaise wo bhi angels ki tarah ban jayenge if they follow god's command, agar unhone god's ki command ko follow kiya. Adam ne jo hai fruit of tree of knowledge jo kha liya tha because he cannot bear losing Eve, kyunki jab Eve ne kha liya at the end jo hai fruit forbidden fruit kha liya, तो एडम को पता चल गया कि अब ईव को तो जन्नत से फेंक दिया जाएगा। तो ईव की मोहब्बत में एडम ने भी फिर वो एप्पल खाया ताकि वो दोनों इकट्ठे रहें जहाँ पे भी रहें। इनऑर्डिनेट डिजायर फॉर ईव इज हिज डाउनफॉल। और एडम के डाउनफॉल का वाइस क्या था? इनऑर्डिनेट डिजायर फॉर ईव। ठीक है, वो है ना फितने, जन, जमीन, जर, जमीन और जन। ठीक है, ये तीन फितने ना, जर, जमीन और जन। ठीक है, यानी कि पैसा भी फितना है, औलाद, माल, फिर औरत भी फितना है। ठीक है, यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि औरत एक, हदीस में है ना कि औरत एक फितना है। तो दैट इज द थिंग कि उनकी जो डिजायर थी टू फॉर ईव, वो एक्चुअली उनके डाउनफॉल का बायस बनी। ही एंड ईव फ्यूड आफ्टर द फॉल बट आर रिकनसाइल्ड। ठीक है, वो और ईव जो है उनको आफ्टर द फॉल उनको माफ तो कर, मतलब उनको, मतलब उनका डाउनफॉल तो हुआ लेकिन बाद में उनको माफ कर दिया गया। दे इवेंचुअली गो फॉर टुगेदर टू फेस द वर्ल्ड एंड द अर्थ, और वो दोनों इकट्ठे गए वर्ल्ड और डेथ को जो है फेस करने के लिए।
ईव को देखते हैं कि ईव कौन है. ईव इज द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड फ्रॉम एडम्स रिब एज अ कंपेनियन फॉर हिम. ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है जब जन्नत में बिल्कुल अकेले थे, बोर हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फिर उनका एक जोड़ा बना दिया उनकी रिब से, उनकी पसली की हड्डी से. पसली की हड्डी खूबसूरत होती है, नाजुक होती है, उस हड्डी से अल्लाह ताला ने फिर औरत को बनाया था. तो शी इज सेड्यूस्ड एंड ट्रिक्ड बाय सैटन इन द फॉर्म ऑफ सर्पेंट एंड ईट्स द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज. औरत जो है वो बहुत जल्दी धोखा खा जाती है, बहुत जल्दी एतबार कर लेती है, ये औरत की कमजोरी है. ठीक है, तो यहाँ पे इमोशनली वीक होती है औरत. तो देन क्या होता है कि शी इज सेड्यूस्ड एंड ट्रिक्ड बाय सैटन, और फिर औरत का जो निस्यान का मादा वो भी बहुत ज्यादा, यानी कि जल्दी भूल जाती है. ठीक है, बहुत जल्दी भूल जाती है, उसका निस्यान का मादा बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पे क्या है कि शी इज सेड्यूस्ड एंड ट्रिक्ड बाय सैटन इन द फॉर्म ऑफ सर्पेंट एंड ईट्स द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज. He then tempts Adam, whose love and desire for her is so strong that he eats the fruit rather than risk separation from Eve. और फिर क्या हुआ कि उसने she then tempts Adam. Adam को उसने tempt किया, whose love and desire for her is so strong कि उसने भी फिर fruit खा लिया rather than risk separation from Eve. बजाय इसके कि वो ये fruit ना खाते, उनको ये डर था कि शायद ईव उनसे छिन जाएगी, इस डर से एडम ने भी वो फ्रूट खा लिया. अल्टीमेटली ईव ब्रिंग्स अबाउट रिकॉन्सिलेशन विद एडम व्हेन शी बेग्स फॉर गिवनेस फ्रॉम हिम. गॉड प्रॉमिसेस दैट हर सीड विल इवेंचुअली ब्रूज द हेड ऑफ सर्पेंट, सिंबॉलिकली रेफरेंस टू जीसस ओवरकमिंग डेथ एंड सैटन. फिर गॉड ने प्रॉमिस किया कि उसका जो सीड है वो इवेंचुअली ब्रूज करेगा द हेड ऑफ द सर्पेंट, सर्पेंट के हेड को किल करेगा, सिंबॉलिकली रेफरिंग टू जीसस ओवरकमिंग डेथ एंड सैटन. और जीसस की ओवरकमिंग होगी और फिर डेथ और सैटन दोनों हमेशा के लिए किल हो जाएंगे. अपोज टू गॉड कौन कौन थे? सबसे पहले डेथ. डेथ इज सैटन सन एंड ग्रैंड सन, द रिजल्ट ऑफ एंसेस्टर्स यूनियन बिटवीन सैटन एंड हिज डॉटर सिन. सैटन की डॉटर का नाम सिन था और सैटन के बेटे का नाम डेथ था. Death has also had a relationship with sin, producing the hellhounds that are her side. Death is primarily an allegorical character. He is a shadowy figure with a ravenous appetite. He and sin build a great bridge from hell to earth. After Adam's and Eve fall, God says that both death and sin will be sealed in hell after judgment day. Aur kya hai ki ye ek shadowy figure hai with a ravenous appetite. Aur death aur sin jo hai, उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया फ्रॉम हेल टू अर्थ, हेल से लेके अर्थ तक, आफ्टर एडम्स एंड ईव फॉल. गॉड सेज, गॉड ने कहा कि डेथ और सिन जो है उनको सील कर दिया जाएगा इन द हेल आफ्टर जजमेंट डे. ठीक है, आपको पता है ना क्यामत के रोज जो है मौत को जो है वो ज़िबा कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा. इसी तरह गुनाहों को भी किल कर दिया जाएगा, यानी कि ये गुनाह और नेकियां सिर्फ क्यामत तक हैं, उसके बाद और मौत भी क्यामत तक है, मौत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, यानी कि मौत को मौत दे दी जाएगी. सिन द डॉटर ऑफ सैटन हु स्प्रैंग फ्रॉम हिज हेड व्हेन ही फेल एंड वाइफ फ्रॉम द सन एंड वाइफ फॉर द सन. और सिन कौन है? ये डॉटर ऑफ सैटन है जो कि सैटन के हेड से निकली थी जब सैटन को गॉड सन से जो है एंड वाई जेलसी फील हुई थी. शी इज ब्यूटिफुल टू वेस्ट बट A hideous serpent beneath. वो देखने में खूबसूरत है लेकिन एक hideous serpent है अंदरूनी तौर पे, with hell hounds that surround her and go in and out of her womb. बेटा गुनाह जो है उसमें हमेशा attraction होती है, हम ना चाह के भी, हम अगर बहुत भी गुनाहों से तौबा कर लें लेकिन फिर भी हम जब टीवी ऑन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एड्स भी देख रहे होते हैं. देर इज सम, आप देखें ना हमें गीबत करने में कितना मज़ा आता है, आता है ना? इट मीन्स कि गुनाहों में एक मज़ा है. ठीक है, और यहीं पे वो बता रहा है कि भाई सिन जो है वो खूबसूरत है. द हाउंड्स आर प्रोडक्ट ऑफ हर इंसेस्टर्स रिलेशनशिप विद हर सन डेथ, हु वाज द प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप विद हर फादर सैटन. इन मच ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, सिन इज एन एलेगोरिकल कैरेक्टर. शी ओपन्स द गेट ऑफ हेल फॉर सैटन टू लीव. He and death build a bridge to earth and inhabit the world after Satan causes the fall of man. Eventually, sin and death will be sealed in hell.
बेल्जीबब द डेविल सेकंड इन रैंक टू सैटर्न। बेल्जीबब जो है वो एक ऐसा डेविल है जो कि सेकंड है इन रैंक टू सैटर्न। इन द बाइबल द नेम बेल्जीबब सीम्स मोस्ट लाइकली टू हैव बीन एसोसिएटेड विद द टर्म लॉर्ड ऑफ फ्लाइज द डेमन हु ड्रॉ फ्लाइज अवे फ्रॉम सैक्रिफाइसेस। Numerous theories exist, but none are definitely or widely accepted. At the best, the name Beelzebub exists in Bible and is associated with Satan and evil. Milton's audience would have recognized Beelzebub as a demon, even if they probably knew little or nothing of his origin. He acts as Satan's mouthpiece in Book 2. ठीक है, ये mouthpiece था Satan का in Book 2. Beelzebub second to जो है ये Satan था. फिर बेलीलियल भी इसका एक चीला था, ठीक है, और ये क्या था, विकेडनेस और डिस्ट्रक्शन को शो करता था। मिल्टन ने उसको प्रेजेंट किया एक ऐसा इंडिविजुअल जो रिप्रेजेंट करता है इम्प्योरिटी को, और उसने आर्ग्यू किया था, ही आर्ग्यूज कनिंगली एंड इफेक्टिवली फॉर टेकिंग नो एक्शन। उसने कहा कि भाई कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, एंड इज एसोसिएटेड विद इग्नोबल ईज, और उसको हमेशा आराम की पड़ी रहती थी। मोस्टली हम एक्शन लेते ही नहीं है, आपने देखा होगा हम कहते हैं कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ लिया तो फिर ज्यादा पकड़ हो जाएगी, इस डर से हम कुरान पढ़ते ही नहीं, ऐसे है कि नहीं बेटा जी? अगर उल्टी तरफ से रोड वन वे है और आप उल्टी तरफ से जा रहे हैं, रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, आगे आपका चलान तो होगा, पुलिस वाला पूछेगा कि सीख के क्यों नहीं रोड पे चढ़े थे, तो ये कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह ताला हमसे पूछेगा एमए इंग्लिश तो कर रहे थे, कुरान भी खोल के देख लेना था, तुम्हारे लिए दुनियावी किताबों के लिए वक्त था तो अल्लाह की किताब के लिए वक्त नहीं था। तो बेटा इस चीज़ की कोई बख्शिश नहीं है, इल्म मोमिन पे फ़र्ज है, इल्म मुसलमान पे फ़र्ज है, लहद से मैं तक इल्म हासिल करना है, लेकिन उसमें आप देखिए हम दुनियावी इल्म के पीछे पड़े रहते हैं, दीनी इल्म बिल्कुल पीछे रह गए। तो ये हमारी ईज है। मैंने एक और चीज़ कल आपको बताई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का फितना माल होगा। हम डिग्री इसलिए लेते हैं ताकि माल आएगा, कल को अगर यूं हो गया तो रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है, वो तो मिल के ही रहना। मैंने जॉब नहीं की सारी उम्र, मैंने सारी उम्र, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि जॉब करो, बट मैंने जॉब नहीं की, ठीक है। जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन करता था कि हाँ भाई कैसे गुजारा होगा, मैं कहती थी कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया ना इसी छत के नीचे देगा, अल्लाह ने ऐसे ही दे दिया, ठीक है। द थिंग इज दैट कि रिस्क का वादा बेटा अल्लाह ने किया हुआ है, अब वो आपके 10,000 में आपकी लाखों की चीज़ें आपको ला के दे दें, वो किस तरह आपको प्रोवाइड करता है ये तो अल्लाह का काम है, ये तो मेरा काम ही नहीं है। मेरा तो काम है मैं वो काम करूँ जो मेरे पे फ़र्ज किया गया, ठीक है। तो हम क्या होते हैं, हम एक इग्नोबल ईज में बढ़ जाते हैं, और ये कौन हमारे साथ कर रहा होता है, ये भी शयातीन ही होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। फिर मेमन जो है इन द बाइबल, मेमन इज ऑफन प्रेजेंटेड एज किंग और डेमन हु इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, माल का फितना। इन द पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड द लीस्ट रेक्टेड ऑफ द फॉलन एंजल बिकॉज ही ऑलवेज हैज हिज आईज डाउनवर्ड लुकिंग फॉर द गोल्ड और मनी। उसकी हमेशा जो है ना वो जो है उसकी गोल्ड और मनी पे उसकी जो है नजर रहती थी। इन द काउंसिल ही प्रपोजेज एक्सप्लॉइटिंग द वेल्थ ऑफ हेल टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस रादर देन वॉरिंग अगेंस्ट गॉड। उसने कहा विजय इसके कि हम वॉर करें अगेंस्ट गॉड, भाई ऐसा करते हैं एक कंफर्टेबल सा एक महल बनाते हैं और हेल में से एक्सट्रैक्ट करके सारी वेल्थ, और फिर आराम से उसमें रहते हैं। और ये हमारी सेठ वाली सोच हमारी भी है, ठीक है, हमारी भी सेठ वाली सोच है, पढ़ लिख के शायद हमने आराम करना। आप खुद सोचें ना हम स्टेटस के पीछे क्यों भागते हैं, हमें ये लगता है कि पैसा आ जाएगा, बड़ा घर आ जाएगा, सुकून भी आ जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल कुलूब के दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन हम बेसिकली क्यों कर रहे होते हैं ना ये सारा कुछ, हमें ये लगता है शायद ये सारा कुछ करने के बाद मुझे सुकून मिल जाएगा, एक हमारी कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस होगी, एक सेठ वाली जिंदगी होगी, आगे पीछे नौकर चाकर होंगे तो तभी सुकून आएगा। बेटा सुकून हमेशा सब्र और शुक्र के साथ आता है, और अल्लाह ताला से दिली और दिमागी सुकून मांगे। उसके बाद है मलोच। मलोच वॉज एन एडल्ट्रस डाइटी वर्शिप बाय इसराइलिटीज, ठीक है। द चीफ फीचर ऑफ इस कल्ट सीम टू हैव बीन चाइल्ड सैक्रिफाइस।
मलोज जो है ये भी एक शैतान है, लेकिन कुछ इसराइलिटीज ने, आपको पता है जादू जो स्टार्ट हुआ था, काला जादू, वो यहूदियों से स्टार्ट हुआ था, यहूद ने स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पे वही इसराइलिटीज की बात आ रही है, द चीफ फीचर ऑफ, और वहां पे फिर वो बलि दी जाती थी और ये सारा कुछ वही चीज बताई जा रही है। इन पैराडाइज लॉस्ट यॉर्ग्यूज द काउंसिल फॉर टोटल वॉर अगेंस्ट गॉड, ही इज नाइदर सबटल नॉर इफेक्टिव इन हिज स्पीच। मल्सीबर जो है फॉलन एंजल है, हु इज चीफ आर्किटेक्ट फॉर पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, ठीक है, आपको बताया था कि पेंडेमोनियम, ये सारे शयातीन ने मिलके जो एक महल तामीर किया था उसको पेंडेमोनियम कहा जाता है, जो जिसके अंदर इनकी जो है मीटिंग्स हुआ करती थी। द कैरेक्टर सीम्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम हैपीटस इन ग्रीक माइथोलॉजी, और कैरेक्टर्स जो हैं वो जो है ड्राइव किए गए हैपीटस इन ग्रीक माइथोलॉजी, हैपीटस हैपीटस जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में जिसका बताया गया। ये तो हो गए वो एंजल्स जो कि फॉलन एंजल्स थे, जो कि रिबेलियस एंजल्स थे। नाउ लेट सी लॉयल टू गॉड कौन कौन था। सबसे पहले माइकल, ये वो एंजल था जो कि एडम और ईव के पास जाता है और उनको बताता है कि शैतान तुम्हारे साथ क्या करने लगा है। एन आर्च एंजल, वन ऑफ द फायर्सेस्ट फाइट्स इन द बैटल बिटवीन द रिबेलियस एंजल्स एंड दोज लॉयल टू गॉड। माइकल नेम वॉज अ A war cry of good angels in Paradise Lost. The fallen angels remember particularly the pain of Michael's sword. Michael जो है, sorry, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, वो राफेल था। Michael जो है actually इसने ये सबसे ज्यादा जो फायर फाइटर था ना गॉड का, ये वो था। और इसकी जो माइकल की सॉर्ड है उसकी पेन जो है वो फॉलन एंजल्स को अभी भी याद है। At the end of the epic, Michael reveals to Adam the biblical history of the world. और at the end of the epic, Michael जो है वो reveal करता है Adam को वो biblical history of the world को through the birth of Jesus, कि किस तरीके से जो है birth of Jesus के through जो है दुनिया जो है वो मतलब जब से birth of Jesus हुई है और किस तरह से biblical history of world वो बताता है। Michael also leads Adam and even out of Eden. ईडन जन्नत को कहा जाता है, जन्नत उल फिरदौस को कहा जाता है। जन्नत के भी कई दर्जे हैं ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना अर्श बरी, सातों आसमान के ऊपर एक अर्श है जहाँ पे अल्लाह ताला अपनी जो है अपनी पूरी जात के साथ वहां पे है। एक ईडन है जिसको हम जन्नत उल फिरदौस कहते हैं, हम कहते हैं ना जन्नत उल फिरदौस मांगिए, वो सबसे ऊपर वाला दर्जा है जन्नत का, जहाँ पे अल्लाह ताला जो है अपना खुद दीदार करवाएंगे अपने बंदों को, उसको ईडन कहते हैं। हेवन है, ईडन है, ठीक हो गया। तो ये जनाब ईडन जन्नतुल फिरदौस को कहा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद राफेल है, वन ऑफ द आर्क एंजल। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन राफेल वॉज द एंजल ऑफ मैन एंड वॉज सपोज टू डील विद अर्थ, और वो जो है अर्थ से डील करते। Milton seems to follow that tradition since Raphael, often called the affable archangel, is sent to earth to warn, Adam and to answer any question Adam has. Raphael ने actually वो गया था earth पे और उसने warn किया था Adam को और उसके कुछ questions थे जो answer किए थे। Many scholars fault Raphael's advice and find him complicit in the fall of man. और बहुत सारे स्कॉलर्स ने राफेल की एडवाइस को फॉल्ट करार दिया है और वो कहते हैं कि भाई ये फॉल ऑफ मैन जो है उसकी कॉम्प्लिसिट है, यानी कि उसी का बायस बना है राफेल जो है। द कन्वर्सेशन बिटवीन राफेल एंड एडम टेक्स प्लेस इन बुक 5 and 8, ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जिब्रेल द, जिसको हम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, जिब्रेल। In the Bible, the archangel Jibril is the angel of mercy in contrast to Michael. ठीक है, ये angel of mercy था in contrast to Michael. Michael fire fighter था और Jibril जो है ये angel of mercy था, the angel of justice. In the New Testament, Jibril announces the coming of Jesus to Mary. ठीक है, अब New Testament में Jibril announce करता है the coming of Jesus to Mary. ठीक है, हजरत मरियम को बताता है कि तुम्हारा बेटा पैदा होने वाला है जिसका नाम हजरत ईसा अलैहि सलाम। इन पैराडाइज लॉस्ट इज द एंजल हु गार्ड द गेट ऑफ ईडन। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर ये वो एंजल था जो कि ईडन को गार्ड करता है। ही कैप्चर्स सैटर्न ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एट करप्टिंग एडम एंड ईव एंड सेंड्स हिम अवे। वो सैटर्न को पकड़ लेता है उसकी पहली अटेम्प्ट में
एट करप्टिंग एडम और ईव और उसको वहां से भगा देता है. एब्रियल एंजल इन सैटर्न्स होस्ट अपोजिट सैटर्न्स प्लान टू रिबेल एंड रिटर्न टू गॉड. In the battle with rebellious angel, Abdiel confronts Saturn and pushes him backward. Ethereal, one of the angels who assists Jabriel in guarding Eden. Ethereal and Zephron capture Saturn's whispering in Eve's ear. Urania, the name of Milton's muse. Urania jo hai Milton ki muse. Muse kise kehte hain? Goddess of poetry ko. Classically, Urania is the muse of astronomy. ठीक है, ये goddess astronomy थी जो कि inspiration देती थी astronomy के बारे में, inspire करती थी. inspiration क्या होती है? inspiration देखिए, muse कहते हैं goddess of poetry को जो कि inspire करती है poet को, इल्हाम हो जाना, ठीक है, inspiration हो जाना. जब इंसान inspire हो जाता है ना तो उसको एक way बन मिल जाता है कि भाई मैंने इस रास्ते पे चलना है. हम लोग उस तरह की जिंदगी गुजारते हैं जिस तरह की हमारी इंस्पिरेशंस होती हैं. हम किस पर्सनालिटी से इंस्पायर हो रहे हैं, खुले बालों वाली खातून से इंस्पायर हो रहे हैं या अबाये वाली खातून से या दीनी से या दुनियावी से, हमारी पर्सनालिटीज वैसी डिवेलप होना चाहिए. इसको इंस्पिरेशन कहते हैं. लेकिन यहाँ पे म्यूज क्या है? गॉडेस ऑफ पोइट्री को कहा जाता है जो कि पोएट को इंस्पायर करती है, एक आइडिया देती है, उसको एक तखयल की दुनिया में ले जाती है एंड फाइनली उस पोएट को एक इल्हाम होता है, ठीक है, और वो एक इल्हाम की दुनिया में जाके एक पीस ऑफ वर्क लिखता है. ठीक है, जैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के थ्रू एक मैसेज देते थे, तो ये गॉडेस ऑफ पोइट्री जो है इन ग्रीक माइथोलॉजी जो है ये भी इल्हाम देती थी. ठीक है, इसी तरीके से म्यूज ऑफ ऑस्ट्रोनॉमी का क्या मतलब है कि जो ऑस्ट्रोनॉमर्स थे उनकी जो गॉडेस थी जो उनको इल्हाम देती थी, जो उनको इंस्पिरेशन देती थी. मिल्टन ट्रांसफर हर इनटू क्रिश्चियन इंस्पिरेशन ऑफ द और द होली स्पिरिट. और मिल्टन ने ऑस्ट्रोनॉमी बेसिकली आसमान या फलकियात को भी कहा जाता है, फलक. ठीक है, तो अब मिल्टन ने क्या किया, उस म्यूज को, उस क्रिश्चियन इंस्पिरेशन को किसमें? होली स्पिरिट में बदल दिया. अच्छा जी, अरियल देख लेते हैं. वन ऑफ द सेवन आर्कएंजल्स ही स्ट्रिक बाय सैटर्न डिसगाइज्ड एज शेरम. ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक लेटर एंड वार्न्स जिब्रिल दैट एन इंटरलोपर हैज एंटर्ड द गार्डन ऑफ ईडन. ज़ेफ्रोन वन ऑफ द एंजल्स हु असिस्ट जिब्रिल इन गार्डिंग ईडन. ज़ेफ्रोन एंड इथेरियल डिस्कवर सैटर्न विस्परिंग इन ईव्स ईयर ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट एट करप्टिंग मैन. अच्छा जी, ये तो आपके हो गए माइनर के.